हेलो, मैं हूं तैमुरली और आप देख रहे हैं आर्ट क्रिकेट। तो क्या सिद अजमल बनने जा रहे हैं पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच, और क्या पीसीबी हायर करेगा उनको बॉलिंग कोच खिदमत अंजाम देने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए? आज की छोटी में बात करेंगे हम इसी टॉपिक पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल आर्ट क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस क्रिकेट वीडियो डेली मिलती रहे। तो सईद अजमल ने ख्वाहिश जाहिर की है पाकिस्तान टीम का बॉलिंग कोच बनने के लिए। कल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद अजमल ने कहा कि वो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग कोच बनना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको हायर करता है बॉलिंग कोच के लिए, तो वो काफी लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच रह सकते हैं और अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं एज अ बॉलिंग कोच। मजीद उनका ये कहना था कि उन्होंने पीसीबी के अलावा इंग्लैंड से भी लेवल टू का कोचिंग कोर्स किया हुआ है और वो आने वाले वक्त में लेवल थ्री का कोचिंग कोर्स भी करेंगे। उनका कहना था कि कोचिंग करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी अकेडमी में, जो कि उनकी अकेडमी है सईद अजमल की, एक बॉलिंग अकेडमी जो कि फैसलाबाद में है, वहां पर 200 बच्चों को तरबियत दे रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए कोचिंग करना कोई नई बात नहीं होगी और वो कोचिंग की खिदमात को अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं और वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बनना चाहते हैं। तो क्या पीसीबी उनको हायर करेगा बॉलिंग कोच के लिए, और क्या उनका नाम अभी उस फहरिस्त में शामिल है जिनमें दिगर नाम शामिल है कि जो लोग बन सकते हैं पाकिस्तान टीम के नए बॉलिंग कोच? इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।